दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है, फिर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से अब जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बहुत सारी खबरें आपको इस वीडियो में आज हम देने वाले हैं। आंगनबाड़ी बहनों रिटायरमेंट का जो मुद्दा कोर्ट में था उस पर भी आप लोगों को अपडेट लेकर के आ चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए सबसे पहले आपको बता दे, एक मैसेज ये लगा हुआ है 4500 रुपया और इनका 5500 रुपया, और इनका टोटल पैसा जो है राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का यानी पूरे 10,000 और 10,000 रुपया मध्य प्रदेश में मिलता है। तो मध्य प्रदेश से आंगनबाड़ी बहन है, उन्होंने एक मैसेज मुझे किया हुआ है और लिखा है, नमस्ते सुधांशु भैया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बबीता शर्मा है, केंद्र वगैरह मोहरी है, ज्ञान सेक्टर साढ़ोरा परियोजना अशोक नगर मध्य प्रदेश से। मुझे आज ये मानदेय का मैसेज आया है और ये दिसंबर माह का मानदेय है, आज ट्रेजरी में जमा हो गया है और एक दिन जो है यहां पर एक दो दिन में जो है खाते में जो है लग जाएगा। भैया जी आप ये खबर जरूर दिखाइएगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हर माह समय पे मानदेय वगैरह दे रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पैसा आंगनबाड़ी बहनों को समय पर भेज रही है, लेकिन दुख के साथ ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार, बिहार में सरकार, राजस्थान में सरकार, उत्तराखंड में सरकार, ऐसे और भी राज्य हैं वहां पर भी सरकारें समय पर पैसा नहीं भेज पा रही हैं। बड़े खेद की बात है, जिनमें उत्तराखंड में पिछले 4 महीने से, राजस्थान में भी पिछले 4-5 महीने से, बिहार में भी काफी लोगों का पैसा कई कई महीनों का बकाया है, कुछ नई सेविका है जिनका सालों का बकाया है। अब आप लोगों को बता दें ऐसी स्थितियां हैं और उत्तर प्रदेश का भी हाल सेम ही है, यहां पर भी काफी बहनों के पैसे समय पर आते हैं, काफी बहनों के जो है लेट चलते रहते हैं, एक ही ब्लॉकों पर ऐसी अनियमितताएं देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में नवंबर तक का मानदेय खातों में आया है, दिसंबर का अभी भी बकाया है, जनवरी चल रही है, दिसंबर का आ जाना चाहिए था। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि ये पिंकी शर्मा बहन है, तहसील वगैरह रानी से है और इन्होंने भी एक मैसेज किया हुआ है कि इनके वगैरह मोबाइल वगैरह का पैसा जो भी रिचार्ज का वो भी नहीं आया है, पैसा भी राजस्थान में नहीं पहुंच पा रहा है, राजस्थान अलवर वगैरह से है ये आंगनबाड़ी बहन और इनकी भी समस्या कुछ ऐसी है पिंकी शर्मा बहन की। साथ ही आपको अब हम बताते हैं एक मैसेज और यहां पर आपको बता दे ये रहा हमारे पास जवाब आया है प्रभावती बहन की तरफ से, आपको बताना चाहेंगे। उन्होंने लिखा है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जिसकी याचिका संख्या 12, 71 और 8 है, आप लोगों में से अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, ऑनलाइन भी आप इसका स्टेटस देख सकते हो। तो 12, 71, 8 है, इसको नोट कर सकते हो। कैटेगरी 1 और था जिसकी सुनवाई में लगी है, सीरियल नंबर 82 पे आ गया है, वकील द्वारा बताया गया कि दिनांक 13 जो है जनवरी को आने का पूर्ण संभावना है, अगर मेरे संगठन व केस के प्रति संभावना है तो मैं केस व कैटेगरी लिख दी हूं, ऑनलाइन जो है कोई भी देख सकता है और किसी को देखने में मुझे या मेरे संगठन को कोई दिक्कत नहीं है, उसे लोगों को देखना चाहिए, देखने से पता करने से हमारे संगठन के लोगों को खुशी भी होती है, ऐसा प्रभावती बहन ने कहा है। तो आप में से अगर कोई चेक करना चाहे तो 12, 71, 8 इनकी याचिका संख्या कैटेगरी ए है और आप लोग भी देख सकते हो, और इनका अनुमान यही है वकील के हिसाब से कि 13 तारीख को शायद सुनवाई हो पाए क्योंकि पिछली बार 8 तारीख को इनका हो नहीं पाया है मैटर और 82 नंबर पर केस है, ज्यादा केस लगे होते हैं तो सुनवाइयां ऐसे ही जो है लेट लपेट चलती रहती हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, आपको एक और हम अगली खबर की तरफ ले आए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को बांटे गए हैं शिक्षाप्रद खिलौने। अभी दोपहर 3 बजे हमने ऑल इंडिया पर एक वीडियो दिया था जिसमें आपके लखनऊ जो है जिले के, उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिले में काफी जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर के चीजें बांटी गई, लगभग 40 आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौने बांटे गए जिनमें हम आपको बताएंगे ये वो वाला आपका केंद्र जहां पर राज्यपाल महोदय खुद पहुंची हैं, ये आपकी आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है और पहुंची है और आंगनबाड़ी के वहां पर जो केंद्र है यानी बच्चों को खेलने के लिए क्या क्या खिलौने दिए, जरा इन पर आप फोकस दौड़ा लीजिएगा। दोपहर के वीडियो में आपको हम दूसरे केंद्र का दिखाया था, वहां पर बहुत ही बड़े बड़े खिलौने पैकिंग के अंदर रखे हुए थे, आपको हमने झलक दिखा दिया था। इसमें देखो लिखा हुआ है कि इनमें शिक्षाप्रद खिलौने हैं और ABCD वगैरह हैं। ABCD देखो अब कलर वाली आती हैं, प्लास्टिक वगैरह में जो है बनी होती हैं, काफ़ी बड़े बड़े ABCD लिखे होते हैं, कलरफुल और बच्चों को अच्छा लगेगा। नंबर वगैरह भी हैं, गिनतियां यानी कि पजल वगैरह भी हैं, बॉक्स वगैरह हैं, साथ ही जो है टॉय वगैरह, फल वगैरह भी उसमें दिए हैं, खिलौने में आपके फल वगैरह भी दिख जाएंगे और टॉय वगैरह एनिमल वगैरह के भी खिलौने आपको दिख जाएंगे, एजुकेशनल मैप भी उसमें दिख जाएंगे और प्लेबुक वगैरह भी आपको मिलेगी और पिक्टोरियल
मटेरियल वगैरह स्टोरी वगैरह भी मिलेगी, बुक एक उसकी भी आती है, और वाइट वगैरह एक बोर्ड भी मिलेगा, वजन मशीन भी उसमें है, हाइट गेज वगैरह भी उसमें है, फर्स्ट एंड जो है बॉक्स वगैरह भी उसमें, यानी आपके किट के लिए हैंड वॉश भी रखा है, ट्राई साइकिल वगैरह भी उसमें है, झूले वगैरह भी हैं, और आपका पिक्टोरियल वगैरह मेज भी है, और आसानी एवं जो है खाने के बर्तन वगैरह इसमें ये सब लिखा हुआ वो भी उसमें मिल जाएंगे। तो बहुत कुछ ऐसा है जो आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए काफी लाभप्रद होगा, और इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है कि इन चीजों को हमारी सरकार हर जगह बंटवाएगी, हर एक केंद्रों तक पहुंचाएगी। ऐसा ना हो कि चंद केंद्रों पर दे दिया जाए और जब भी अधिकारी भ्रमण हो या अखबारों पर छापना हो तो उन्हीं केंद्रों को बस आगे करके और इसमें बदलाव को जो दिखा दिया जाए, लेकिन हर जगह ऐसा ना हो। अगर ऐसा होता है तो ये सरकार का एक बहुत ही गलत डिसीजन होगा। हम यही चाहते हैं कि हर एक आंगनबाड़ी केंद्रों तक ये खिलौने, ये सुविधाएं पहुंचे ताकि हर एक बच्चे को उनका अधिकार मिल पाए। अब यहां पर आपको बताना चाहेंगे राज्यपाल ने पहल को अपना भी सराहा है, तो ये चीजें हैं, अब आपको धीरे धीरे आपको सीधे सीधे पता भी चल जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको कम शब्दों में ये सब बता दिया है, तो अभी आप लोगों को हम आगे ले चलते हैं और भी बताना चाहेंगे। सब्र रखिए, आपके वहां पर भी इन्हीं केंद्रों पर जो ऐसी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा सुमन लता बहन है, उन्होंने जानकारी भेजी थी, अपनी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद, और इन्होंने लिखा है कि हर जिले में एक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र भी बनाए, ऐसा भी जो है एक यहां पर सुझाव आया था। अब कहना यह है, ये तो आनंदीबेन पटेल राज्यपाल जी ने कह दिया था, अब क्या हर एक जिले में अगर एक ही आंगनबाड़ी आदर्श केंद्र होगा तो क्या केवल आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही ये खिलौने सुविधाएं दी जाएंगी? क्या बाकी के बच्चे अलग हैं, ऐसे इनके साथ क्या भेदभाव करना ठीक होगा? तो इन चीजों को लेकर के जो भी सरकार की मंशा हो अभी उनका कोई क्लियर नहीं है। हमारी मंशा यही है कि हम सभी को एक नजरिए से देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लाभार्थी और गरीब आंगनबाड़ी केंद्र, उनकी तरफ भी सरकारों का फोकस होना चाहिए, और क्योंकि हर एक बच्चे का भविष्य उतना ही कीमती है जितना आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों का होगा या ऐसे ही किराए पर चलने वाले आंगनबाड़ी के भवनों का होगा। साफ सुथरी बात हम करते हैं। इसके अलावा रेखा वर्मा बहन है, उन्होंने देखो ये भेजा हुआ था, मोहनलालगंज से है, और इसमें आपको बताते हैं ये कुछ तस्वीरें हैं, और उन्होंने ये भेजा हुआ था, इनके वहां बड़े बड़े खिलौने ये देख लीजिएगा यहां पर रखे हुए हैं। तो आगे आपको हम एक झलक दिखा देते हैं, ये हम पिछले वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे पूनम सिंह बहन है, उन्होंने भी जो है बहराइच से एक अपने वहां जो भी प्रदर्शन हुआ होगा बदायूं की हमारी आंगनबाड़ी बहन को न्याय दिलाने के लिए, तो उसी को लेकर के यहां पर आंगनबाड़ी बहनों ने अपना प्रदर्शन किया है जमीन पर आकर के, बहन के साथ जो है अच्छा हो यानी उनको इंसाफ मिले इसी उम्मीद के साथ में वो आगे बढ़ी है। कैंडल मार्च वगैरह बहन ने निकाला, ये आप देख लीजिएगा, हाथ में कैंडल भी है और कैंडल मार्च, इसमें लिखा आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की तरफ से जनपद बहराइच से आंगनबाड़ी हमारी बहनें हैं, और इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अपनी बहन के लिए जो है ये सब बहनें आज आगे जो आकर के सड़कों पर खड़ी हैं, और जो भी भाई लोग हैं उनको भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए। सुनंदा तिवारी बहन है, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही मैटर भेजा है, उन्होंने अपने वहां जनपद में भी इसी तरीके से प्रदर्शन किए हैं, इन्होंने वीडियो भी भेजा था, फोटो भी भेजी है, और नीचे लिखा भी है 9 तारीख को ये सब कुछ उनके वहां जो है कल हुआ है, और ये सब आंगनबाड़ी जो है वहां पर सहायिका बहन को न्याय दिलाने के लिए जो बदायूं में मैटर हुआ था। अब आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे इस मैटर में, यहां पर उन्होंने एक ये अपना एक ये फोटो भेजा हुआ है, एक और बहन का फोटो देख लीजिएगा, इसके अलावा एक वीडियो भी था। अब साथ ही साथ आपको बता दें निगोहा में आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने की सामग्री वगैरह वितरित की गई है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया लखनऊ के निगोहा वगैरह ब्लॉक में जो है बच्चों को वो सामग्रियां दी गई हैं जो प्री प्राइमरी के बाद में बच्चों को पढ़ाने में खेल में पढ़ाने में कामयाब वगैरह के मुकाम पर ले जाएंगी या उसमें कारगर साबित हो जाएंगी, तो ऐसे आप समझ सकते हो। इसके अलावा आगे चलते हैं, हमें आपको और भी दिखाना है, ये एक वीडियो था, शायद आपको हम दिखा भी चुके होंगे, ये आंगनबाड़ी बहन है मास्टर ट्रेनर के रूप में होंगी, वहीं पर ऐसे देखो उन्होंने अपने आप से आकृतियां बनाई है, इसमें देखो सब जोड़ जोड़ के कागज पर बनाया है, देखो यहां पर हाथी है और ऐसे करके सभी चीजें बनी हुई है। अब आगे आपको बताना चाहेंगे, इस ये वीडियो शायद आपको दिखाया जा चुका है, आगे देखिए अन्न प्राशन वगैरह ममता गुप्ता बहन है, जिला वगैरह सीतापुर से है, मोहली वगैरह इसमें लिखा हुआ है। अब आगे इन्होंने भी वीडियो भेजा था, अगर वीडियो सही है तो वो वीडियो भी चैनल पर दिखाया जा चुका है। इसके अलावा ये हमारे पास जौनपुर वगैरह से एक वीडियो आया था, बहन ने भेजा है, लेकिन इसमें उन्होंने नाम नहीं भेजा था और वीडियो शायद चैनल पर दिखाए जा चुके हैं। इसके अलावा ये आरती बहन है और शमसाबाद वगैरह फरुखाबाद से हैं, और इन्होंने जो भी एक वीडियो भेजा है शायद चैनल पर दिखाया जा चुका है। देखिए हमने अभी पिछले 2-3 दिन में बहुत ही ज्यादा आप लोगों को प्री प्राइमरी के वीडियो दिखाए हैं, और वो इसीलिए ताकि आप लोग सीख जाएं, कहां जहां जहां ट्रेनिंग नहीं हुई है तो ट्रेनिंग से पहले ही आप सीख जाएं कि ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया जाएगा, ताकि आपको ट्रेनिंग में जाते हुए जरा भी हिचकिचाहट ना हो और जो सिखाया जाए उसको बहुत अच्छे तरीके से आप पहले से ही आपको पता होगा कैसा क्या मकसद है उनका और क्या सिखा रहे हैं, और जितना अच्छे से आप वीडियो में सीख सकते हो और वहां आपको उतना ही और जो है मदद करेगा। इसके अलावा देखो बदायूं के मामलों को लेकर मंजू सिंह बहन ने ये जो है भेजा हुआ था,
मेहरपुरवा ब्लॉक बहराइच से आंगनबाड़ी बहने हैं और उन्होंने अपने वहां पर प्रदर्शन किया। अभी मैंने आपको इनका ही शायद फोटो वगैरह स्टार्टिंग में दिखाया था। ये मंजू सिंह बहन ने भी इसके बारे में मुझे जानकारी भेजी है। साथ ही साथ बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपको बताना चाहेंगे और भी आप लोगों के लिए खबरें हैं। एक ये सरकारी आदेश हमारी बिहार की बहनों, आप लोग देखिएगा, बिहार में 6 जनवरी को बिहार सरकार ने लेटर निकाला है निदेशक ने और सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निकाला है। खासकर इसमें देखिए लिखा है कि दरभंगा, सहरसा, गया, सुपौल, नवादा, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, शेखपुरा और समस्तीपुर, इतने जनपदों के लिए है। तो यहां की जितनी भी आंगनबाड़ी हैं जिलों की, आप ध्यान दीजिएगा, पोषाहार वितरण हेतु टोकन जो प्रणाली है, कूपन प्रणाली, वो राज्य में लागू है। तो 22/12/2020 तक आपके जिले की प्रगति कैसी है उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। समस्तीपुर में देखो टोकन जनरेटेड वगैरह यहां पर लिखे हुए, कितने टोकन जनरेट करे गए हैं और वेरीफाई उनमें से कितने किए गए और उसका परसेंटेज कितना है। तो हम आपको टोकन कितने जनरेट किए गए हैं उनकी संख्या लिखी है, वेरीफाई टोकन कितने कर दिए गए उनकी संख्या लिखी है, लेकिन हम आपको परसेंटेज बताएंगे ताकि आप अनुमान लगा पाओ कि स्थितियां कैसी हैं। समस्तीपुर में 25 पॉइंट जो है यहां पर 807% ही वेरीफाई हुआ है, लगभग मतलब 25% ही हुआ है, 75% हुआ ही नहीं है समस्तीपुर में। शेखपुरा का हाल है, वहां पर भी 25% ही जो है हुआ है। आगे पूर्वी चंपारण में 24% जो है यहां पर वेरीफाई टोकन किए गए हैं, यानी फिर टोकन वेरीफाई के माध्यम से वितरण हुआ है। मधुबनी में भी 20% हुआ है, पश्चिमी चंपारण में 9.91% हुआ है और नवादा में 9.438% हुआ है, सुपौल वगैरह में 9.135 हुआ है, गया जिले में 7.925 हुआ है और सहरसा जिले में 3.010 हुआ है, दरभंगा जिले में 2.4% हुआ। तो आप सोचिए 2% कहां आपके छूट रहे हैं, 98%, ऐसे आप अंदाजा लगा लीजिएगा, स्थितियां काफी खराब है। अब इसमें सरकार की भी गलतियां हैं। अब आप एक बात हम कहना चाहेंगे, इससे कुपोषण अब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बहुत से लाभार्थी लाभ से वंचित है, राशन उनको नहीं मिल पाया है और बाद में सरकार सारा इल्जाम आंगनबाड़ी पर लगाती और कहेगी कि जो है लाभार्थियों को सुविधा नहीं मिली है, कुपोषण बढ़ गया, जबकि इस टोकन के चक्कर में जो है लाभार्थियों का टोकन वेरीफाई नहीं हुआ और पोषाहार का वितरण भी नहीं हो पाया है, यानी कच्चे राशन का। अब आगे देखिए, एक और आंगनबाड़ी बहन है, इन्होंने भी जानकारी भेजी है और यहां पर लिखा हुआ मुख्यमंत्री आरोग्य मेला जिला बस्ती ब्लॉक वगैरह दुबौलिया। रीना सिंह बहन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उन्होंने कई फोटो भी भेजी है। और इसके अलावा देखो यहां पर अन्नप्राशन, गोद भराई वगैरह उनका कहना है, रीता राय है CDPO, उन्होंने करवाया है। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, इसमें उन्होंने एक तस्वीर भेजी है, ये आप देख लीजिएगा। यहां पर अधिकारी भी आए हैं और अच्छे तरीके से जो है गोद भराई वगैरह का काम कराया गया है। साथ ही ये तस्वीर भी आप देख लीजिएगा, वहीं से आंगनबाड़ी बहनों की है। और इसके अलावा आपको बता दें, ये और भी एक तस्वीर है। साथ ही ये जो आंगनबाड़ी बहन है इनका यूट्यूब चैनल भी है और चैनल का नाम मुझे शायद अभी फिलहाल ऐसे जमान पर तो याद नहीं है, लेकिन इनका चैनल है, इनसे बात हुई थी। इसके अलावा देखिए ये एक और उन्होंने फोटो भेजा हुआ है अपना, यहां पर कच्चे यहां पर यानी मेला वगैरह लगा है ना, वो इसी वाला, तो ये आज उन्हीं का है, स्वास्थ्य मेला, आरोग्य मेला टाइप का जो था 10 तारीख को, वही वाला यहां पे चल रहा है और अन्नप्राशन गोद भराई वाले काम भी यहां पर करवाए गए हैं। गोद भराई पहले दिखाया, अन्नप्राशन ये आप देख सकते हो। तो ऐसे यहां पर चीजें रही हैं।